Thank you.
नमः प्रदंदेवीं रामकृष्णं जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहु ज्योतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय शामिनी तापहारिणी नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे मनुष्य को अपना अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए और अपना अधःपतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा मनुष्य स्वयं आत्मा का शत्रु है। रत्नावली, रत्नावली, सुनती हो रत्नावली? साउंड टेक टू कौन दे हो सकता।
निर्भय, क्या तुम निर्भय हो? क्या मतलब? ना मुझे काल का भय है, ना असफलता का, ना कल का, ना कलंक का, और कोई भय जानते हो? अब तुम बता, क्या तुम निर्भय हो? हाँ, हाँ, मैं निर्भय हूँ। ना मुझे असफलता का भय है, ना कल का, और ना ही कलंक का। तो फिर यहाँ वन में छुपकर क्यों रहते हो? क्या राजा से डरते हो? नहीं। तो क्या पाप से डरते हो? नहीं, नहीं। तो फिर यहाँ छुपकर क्यों रहते हो? मैं उत्तर देना, पाप करते हो और पाप से डरते हो। मैं ना पाप से डरता हूँ, ना पुण्य से, ना राजा से, ना राज्य से, ना दंड से, ना विधान से। मैं इस राजा राज्य के साथ मैंने द्रोह किया है। मैं एक राजद्रोही हूँ, इसीलिए मैं निर्जन स्थान पर रहता हूँ। ये प्रतिशोध है मेरा। वे कौन सा पाप है जिससे तुम डरते हो? मुझे तुम्हारी हत्या करने पर पछतावा करो नारद। मैं सैनिक था, युद्ध में हारे हुए सैनिकों की स्त्रियों के साथ पशुता करने वालों की हत्या क्या की मैंने? मैं अपराधी हो गया, राजा और राज्य का दोषी हो गया। मैं वो पाप नहीं था। दूसरों का पाप अपने पाप को सही नहीं ठहरा सकता रत्नाकर। मैं पापी नहीं हूँ। ये कौन निश्चय करेगा? क्या तुम्हारी पत्नी संतान तुम्हारे इस पाप में तुम्हारे साथ है? हाँ, हाँ, वो मेरे पाप के साथ क्यों नहीं होंगे? ये सब कुछ तो मैं उन्हीं के लिए करता हूँ। तो वही निश्चय करेंगे। जाओ अपनी पत्नी परिवार से पूछ कर आ। तुम जो कर रहे हो क्या वो पाप है? क्या वे तुम्हारे साथ इस पाप में भागीदार है? बहुत बोलते हो नारद, किंतु मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। फिर मैं तुम्हें इन्हीं हाथों से तुम्हारी हत्या करूंगा। একটু সাউন্ডটা বাড়াও। Thank you.
Yeah.